हेलो असला वन क्या हाल चाल है आप सबके होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है काफी लंबा गैप हो गया बट वजह तो उसकी पता ही होगी आप लोगों को मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा लॉस बेयर किया है माई नानी जस्ट पास्ट अवे फ्यू डेज बैक और uh, मैं भी भी उनके बारे में बात करती हूँ तो थोड़ी आवाज़ अजीब सी हो जाती है सो प्लीज बेयर विद मी मैंने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम दोनों जगह मैंशन भी कर दिया था और आप लोगों में से बहुत सारों के बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए तसली भी हुई बहुत सारी दुआई दी आप लोगों ने जजाक लाला मे अल्लाह लॉस ऑफ लॉर्स ऑफ हैपीनेस इन योर लाइफ बहुत सारे डीएम्स भी मुझे इंस्टाग्राम पे आए हुए थे बहुत सारे मैंने पढ़ लिए हैं रिप्लाई सबको नहीं कर पाई कुछ मैंने रीड नहीं भी किए हैं बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिस मीन्स लॉट टू मी ये ना मेरी लाइफ का एक बिल्कुल न्यू चैप्टर था जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया और इसने मुझे फ्यूचर के लिए भी इतना ज्यादा परेशान कर दिया आई I मीन mean, ऐसा नहीं है कि पहले कभी मेरी फैमिली में डेथ नहीं हुई या मैंने लव्ड वंस को लूज नहीं किया पहले भी ऐसा हुआ है मगर पहले ना हम सब साथ होते थे एक दूसरे के गले लग गए रो लिए थोड़ा सा एक दूसरे को देख लिया सबर कर लिया कभी बड़ों के लिए चुप हो गए कभी बर्दाश्त कर लिया और फिर जब आप सब साथ होते हैं ना तो I think, हर परेशानी थोड़ी साथ अच्छे से बात करना, साथ खुशी रहना हमेशा कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं किसी चीज में आपको तंग नहीं करते आपके साथ बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते तो मेरी नानी तो बिल्कुल वैसी ही थी और मैं उनसे क्लोज भी बहुत ज्यादा थी मैं काफी बड़े होने तक लाइक यूनिवर्सिटी ऑफिस जाने तक उनके साथ डाल डाल के सोती थी जब भी वो हमारे घर आती थी बस ऐसी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं साथ में और ना मैं उनकी थोड़ी फेवरेट भी थी थोड़ी चाही थी नवाज मुझे नहीं पता ऐसे बाकी सब कहते हैं बट उन्होंने हमेशा बहुत बहुत प्यार दिया सो so ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट फेस था ये और सबके लिए ही होता है हर किसी के लिए होता है चाहे आप पास हो या दूर हो अपने प्यारो को ऐसे जाते हुए देखना आसान नहीं होता है हर किसी की तकलीफ एक जैसी ही होती है कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे और उन्होंने पता नहीं कितनी इस तरह की न्यूज़ देख ली होंगी सुन ली होंगी और खामोशी से बर्दाश्त की होंगी मेरे लिए ये पहली बार था मैं इतनी दूर थी सबसे और एक बहुत बहुत प्यारी चीज लाइफ से चली गई बस मैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती आई होप कि हम सब हमेशा अपने प्यारों से बहुत बहुत खुशी के टाइम पे मिलें उनके साथ रहें उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें यकीन करें दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ और बस इस बात का मलाल एक तरफ कि आखिरी टाइम पे मैं उनसे मिल नहीं पाई या उनको मैं देख नहीं पाई थैंकफुली मेरी फैमिली ने या जो uh, मेरे कजन्स वगैरह हैं उन्होंने कॉल पर बात करा दी थी मगर ये जो पर्सनली उनको ना देख पाना बात नहीं कर पाना टच नहीं कर पाना एक आखिरी बार प्यार नहीं कर पाना गले नहीं लग पाना ये जो है ना बस अब ये सारी जिंदगी साथ रहेगा खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है बहुत सारी नेमतें दी हैं यही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने उनके साथ इतना अच्छा टाइम गुजारा इतनी अच्छी मेमोरीज है वो बहुत अच्छे से चली गई उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रेन के भी बच्चे देख लिए थे आखिरी टाइम पे उन्होंने कलमा अदा किया बस बहुत अच्छे तरीके से फेयरवेल हुआ उनका तो बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए और बेशक वो हमसे बहुत अच्छी जगह पर हैं। प्लीज आप लोग भी मेरी नानी को दो याद रखिएगा। और इसी नोट पे आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ आपके जितने भी बड़े हैं घर पे उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अगर डांट भी देते हैं तो प्लीज़ इग्नोर करें यकीन करें जब दूर चले जाते हैं ना तो डांट ताने बुराइयाँ ये सब भी अच्छी लग रही होती हैं और याद आ रही होती हैं तो दरगुजर करें कोई बात नहीं अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग भी जाती है तो बर्दाश्त करें असल में अब ना हम सब के अंदर इंक्लूडिंग मी ऑल्सो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रहा है हमें छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और फिर एक विश्व सर्कल है जो हम चलाते रहते हैं उसने ये ताना मारा था तो अगली दफा हम ये मारेंगे उसने इस बात पे रिएक्ट किया था तो अब हम इस बात पे करेंगे और ना हमें एहसास होता है कि गलती हमारी भी है और ना सामने वाले को एहसास होता है कि हाँ उसने भी गलत किया ये तो हमारा फिक्स फंडा है ना कि वी आर ऑलवेज राइट हमने बिल्कुल सही किया तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आप ठीक हैं और वो गलत फिर भी जाने दें कोई बात नहीं इग्नोर यार खैर जी मैंने ये तो बताया नहीं हमारे मियाँ जी ने फुटबॉल खेलते हुए पैर पे अपनी एक इंजरी कर ली है तो इसीलिए उनका अपॉइंटमेंट था एमआरआई का हम लोग वहाँ गए हुए थे वापस आते हुए मैं अपने साथ पालक लेकर आ गई थी बहुत रहा था आलू पालक खाने का आप यकीन करें मुझे साढ़े तीन चार साल हो गए मैंने आलू पालक नहीं खाया तीन साल तो मुझे यहीं पर हो रहे हैं मैंने शादी के बाद बनाया नहीं है और उससे पहले कभी मुझे याद नहीं कि कितना टाइम पहले खाया था बट काफी अरसा हो गया तो बस मैं आज आलू पालक की भुजिया बनाऊंगी और समीर का वैसे ही मुंह बन गया था सुनकर के आलू पालक बन रहा है बट मैंने ज्यादा फिक्र नहीं करी कभी कभी तो मेरी मर्जी का खाना भी बनना चाहिए ना भाई और वैसे भी उनके लिए भी अच्छा है सब्जियां खाना हमारे यहाँ ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है बस मैं तेल के अंदर बहुत सारा सा गार्लिक चॉप करके डाल दूंगी साथ में साबुत लाल मिर्च डाल देंगे बस ये ख्याल रखना है कि लहसुन और मिर्च काली ना हो और ये आलू डाल देंगे आलू थोड़ा से भून के फिर उसके अंदर हम पालक डाल देंगे पालक के पानी में ही आलू हो जाएगा जब आलू और पालक गुल मिल जाए तो फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक क्योंकि पालक के अंदर नमक होता है और उसके अलावा उसमें कुटी मिर्च वो भी थोड़ी सी डाल देंगे और उसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे पानी एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं डालेंगे खाना बनाने से पहले कैंडल में जरूर बंद करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे घर में हर जगह खाने की स्मेल आए ये एक टोटका है यहाँ यूके में घर बहुत ज्यादा खुले नहीं होते हैं और बाहर ठंड होती है तो आप हर वक्त खिड़कियां वगैरह नहीं खोल सकते हैं पूरे घर में कपड़ों में हर जगह खाने की स्मेल आ जाती है इसलिए हमें कैंडल बर्न करनी ही पड़ती है वैसे अब तक हमने दो घर यहाँ पे चेंज किए हैं और हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है घर में क्रॉस वेंटिलेशन जरूर होनी चाहिए विंडोज हो बैल्कनी हो या फिर घर के अंदर सनलाइट अच्छी आती हो तो so, जितना पॉसिबल हो सका हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ही घर हो बाकी जहाँ अल्लाह ताला आपको घर देते दे, हैं उस पर शुक्र अदा करना चाहिए खुश रहना चाहिए लहसन और मिर्च अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगी तो बस मैं इसमें आलू डाल दूंगी और जल्दी जल्दी सारा काम करेंगे और मैं साथ साथ आप लोगों से बात कर रही थी रिलेटिव्स के ऊपर आई होप एंड आई विश आप लोग अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाएं आप लोगों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत हो और जो छोटी मोटी बातें हैं उनको बस इग्नोर करते हैं इंसान है और हम इंसानों की तो ईगो वैसे बड़ी फ्रेजाइल होती है तो हमें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है सिबलिंग्स में हो जाता है पेरेंट्स की बातें बुरी लग जाती है बट हम इग्नोर कर देते हैं ना थोड़े टाइम बाद क्योंकि हमारा दिल बड़ा होता है उनके लिए इसी तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी कर ले दूर के हर बात याद आती है हर ईद पे ख्याल आता है हर शादी के टाइम पे आप मिस करते हैं उन्हें इसलिए जब तक साथ हैं अच्छे से टाइम स्पेंड करें अच्छी मेमोरीज़ बनाएं ताकि बाद में जब याद करें तो फिर दिल दुखाने वाली बातें कम और अच्छी मेमरीज ज्यादा हो आई नो समाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाला आपके साथ बहुत ज्ञाती कट जाता है अनफेयर कर जाता है कोई ऐसी बात बोल देता है जो बहुत ज्यादा आपको फील होती है थोड़ा टाइम लें एब्जॉर्ब करें बात को और फिर रिएक्शन दें उसके बाद और ये भी जरूर याद रखा करें कि हमसे भी ये सब होता है हम भी कभी ज्यादा कर जाते हैं कभी कभार हम भी नामुनासिब बातें बोल देते हैं किसी ना किसी का हमने भी दिल दुखाया हुआ जरूर होता है बस अच्छे तरीके से एनालिसिस किया करें हर चीज का और फिर रिएक्शन दिया करें और प्लीज मैं यहाँ पे यह नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मतलब रिश्तेदारों के हाथों बर्बाद हो जाए ऑब्वियसली मैं ये छोटी मोटी जो बातें हो जाती हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कभी कभी हम बहुत छोटी सी चीजों को भी बहुत

कोई बात नहीं अपना बड़ापन दिखाएं अपना जर्फ दिखाएं उनके लेवल का रिएक्शन ना दे बल्कि अपना स्टैंडर्ड बनाए

जब मिलना है खुले दिल से मिलना है खुले दिल से खिलाना है एक दूसरे को और अगर कोई बात हो भी गई है तो दरगुजर करनी है बस सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता मगर ये अक्ल आती नहीं है ना यार मुझे भी नहीं आती है मैं भी ये बोल तो रही हूँ और इस बारे में सोचती भी हूँ मगर हाँ ये है कि मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाना शुरू की है दिल में जगह ज्यादा बनाई है छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना छोड़ दिया है हर बात पे रिएक्शन नहीं देती मैं बहुत प्यारे रिश्ते हैं ये इनकी पॉजिटिव बातें याद रखे इनके अच्छे किए हुए काम याद रखे हर रिश्तेदार हर वक्त बुरा तो नहीं रह सकता ना आपके बचपन में बड़े होते हुए कभी तो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा भी किया होगा प्यार से बात की होगी प्यार से खिलाया होगा अच्छा वक्त साथ गुजारा होगा तो बस वो अच्छी चीजों को याद रखे उनके साथ भी अच्छाई करें अच्छा वक्त गुजारे प्यार से बात करें अच्छे से दावत करें उनकी और बैठ कर सोचे की आपके दिल में किसके बारे में कौन कौन सी बात बैठी हुई है दिल को साफ करें आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा चलिए जी बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया बस ऐसे ही दिल की बात करने का दिल चाह रहा था तो कर ली आलू पालक भी तैयार है इसमें मैंने भूनते हुए थोड़ा सा दूध और क्रीम मिक्स करके डाली थी उससे जो कड़वा खट होती है पालक की वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है और सूखी मेथी डाल के दम दे दिया था बस ये हमारा सिंपल सा डिनर रेडी है साथ में रायता रखा हुआ था वो निकाल लेंगे अचार खाएंगे और इसको एन्जॉय करेंगे आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा बहुत दिनों बाद दिल की बात की है आई होप आपके दिल तक लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज